नोनी, जिसे मोरिंडा सिट्रोफोलिया कहा जाता है, कॉफी फैमिली का एक फलदार पेड़ है। इसे ग्रेट मोरिंडा, इंडियन मलबेरी, बीच मलबेरी और चीज फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है। मोरिंडा सिट्रोफोलिया छायादार जंगलों, खुले चट्टानी या रेतीले तटों पर बढ़ता है। यह लगभग 18 महीनों में तैयार होता है, फिर साल भर हर महीने 4 से 8 किलो फल के बीच पैदावार होती है। यह सलाइन सॉइल, ड्राउट कंडीशन और सेकेंडरी सॉइल के लिए टॉलरेंट है। यह फल पकने पर एक तीखी गंध देता है और इसलिए भी यह चीज फ्रूट या यहाँ तक कि वॉमिट फ्रूट के रूप में जाना जाता है। इसी उपभोक्ता बाजार में जूस, ड्रिंक्स, पाउडर, कॉस्मेटिक उत्पादों जैसे लोशन, साबुन, तेल, गोलियों में पेश किया गया है। दक्षिण पूर्व एशियंस और ऑस्ट्रेलियंस आदिवासी कच्चे फल को नमक के साथ खाते हैं और इसके करी के साथ भी पकाते हैं। इसके बीज को भुनकर भी खाया जाता है। हालांकि मोरिंडा को ट्रेडिशनल मेडिसिन में बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को माना जाता है, लेकिन किसी भी इच्छित उपयोग के लिए क्लिनिकल प्रभावकारिता का कोई कंफर्म्ड सबूत नहीं है। मोरिंडा सिट्रोफोलिया फ्रूट पाउडर में कार्बोहाइड्रेट और आहार फाइबर मध्यम मात्रा में होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फूड पल्प में रहते हैं। मोरिंडा सिट्रोफोलिया पल्प पाउडर के मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन सी, नियासिन, आयरन और पोटासियम शामिल है। विटामिन ए, कैल्शियम और सोडियम मध्यम मात्रा में मौजूद हैं। मोरिंडा सिट्रोफोलिया फल में लिग्नास, ओलिगो और पॉलीसेचराइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, इरिडोइड्स, फैटी एसिड, स्कोपोलिटिन, कैटेचिन, बीटा सिटोस्ट्रोल और एल्कलॉइड्स सहित कई फाइटोकेमिकल्स होते हैं। हालांकि इन पदार्थों का अध्ययन जैव गतिविधियों के लिए किया गया है, लेकिन मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों के बारे में कुछ भी कंक्लूड करने के लिए अनुसंधान अपर्याप्त है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।